हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप क्विज 7 आपका बढ़िया हुआ होगा। और ये क्विज पिछले से थोड़ा सा ठीक था। बाकी हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी, तो जिन जिन क्वेश्चंस में दिक्कत हो वही यू नो द ड्रिल, वैसे ही करना है हमें। पीछे जितने क्वेश्चंस में दिक्कत हुई हम उसको रिवाइंड करके देख लेंगे, और अगर यहाँ पे भी दिक्कत हो रही है तो फिर आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इन द सर्किट शोन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए बी। तो ए और बी दो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट है। अब हमें बोला कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स एम एंड एन इज, तो ये रहा एम पॉइंट, ये रहा एन पॉइंट, तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो एम और एन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बेसिकली वी एम माइनस वी एन, उसको हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर, जो ये सी वाला कैपेसिटर है इस पे चार्ज, डिवाइडेड बाय सी। अगर मैं ये लिख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि ये जो ये तीनों कैपेसिटर हैं, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये तीनों के तीनों सीरीज में है, और ये तीनों कैपेसिटर के साथ ये वाला जो है ये पैरेलल में है। तो मैं इसका इक्विवेलेंट सा सर्किट कुछ बनाता हूँ, आप देखना। ये मैंने ऐसे सर्किट ड्रॉ किया, फिर से मैं बैटरी मान लेता हूँ ये 60 वोल्ट की, ऐसे यहाँ पे ये, और ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये एक कैपेसिटर है। दिस इज 2C, दिस इज 2C, दिस इज C, दिस इज C, ये पॉइंट है A, ये B, तो ये पॉइंट भी A और ये B, ये पॉइंट M और ये पॉइंट N। तो हम एक काम करते हैं, इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ये वाले जो तीनों रेजिस्टर है इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैं लिखूंगा 1/C इक्विवेलेंट, सीरीज में है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्विवेलेंट तो 1/2C प्लस 1/C प्लस 1/2C, तो एलसीएम आ गया इसका 2C। हम लिखा 1 प्लस 2 प्लस 1, तो दैट इज बेसिकली 1/C इक्विवेलेंट इज 4/2C, तो C इक्विवेलेंट आ गया हमारा C/2। तो अब सी बाई टू के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहां से लेकर के और इस पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां पे जो सी इक्विवेलेंट है वो सी बाई टू है। अगर सी इक्विवेलेंट सी बाई टू है और वोल्टेज 60 वोल्ट है, तो जो चार्ज आएगा क्यू, चार्ज क्यू कैन बी रिटन एज सी इक्विवेलेंट इंटू वी। तो सी इक्विवेलेंट इज सी बाई टू एंड वोल्टेज इज 60, तो ये आ गया 30C, तो ये क्यू है। अब इसके अक्रॉस चार्ज अगर Q1 है, इसके अक्रॉस चार्ज Q2, इसके अक्रॉस चार्ज Q3, तो Q1, Q2, Q3 तीनों बराबर होंगे। अब ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि तीनों के अक्रॉस जो चार्ज है वो सेम होगा, क्योंकि तीनों सीरीज में है। तो वोल्टेज अक्रॉस MN कैन बी रिटन एज चार्ज Q2 डिवाइडेड बाई C। तो Q2 इसके अक्रॉस है C वाले के, तो Q2 कितना होगा, 30C डिवाइडेड बाई C, तो V अक्रॉस MN आ गया 30 वोल्ट। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, हो जाना चाहिए था। कंसेप्ट क्या लगा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं, तीनों के तीनों सीरीज में हैं, तो फिर आसान क्वेश्चन हो जाता है, फिर आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए था। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्वेबल था, इजी था, ये होना चाहिए था, नहीं हुआ तो मिस्टेक चेक करना क्या हुई, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अच्छा, अगर ऊपर वाले सर्किट को देखा जाए तो ये कैपेसिटर सी 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 सी, तो ये कुछ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज सा नजर आ रहा है। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हमें याद ही होगा, R1/R2 = R3/R4, या फिर C1/C2 = C3/C4। जब भी ऐसा होता है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, करंट नहीं फ्लो करता, तो ये वाला कैपेसिटर हम सिंपल सर्किट में से हटा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली नीचे वाले को देखें तो वो भी हट जाएगा। तो अगर इसका ओवरऑल सर्किट बनाए फाइनल, तो फाइनल सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ये कुछ ऐसा फाइनल सर्किट बनेगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी, ये बी 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 सी, तो ये ऊपर वाले दोनों सीरीज में, तो सी और सी सी बाई टू,
बीच में भी c बाई टू और नीचे भी c बाई टू, फिर तीनों पैरेलल में है, तो c इक्विवेलेंट को हम लोग लिखेंगे c बाई टू प्लस c बाई टू प्लस c बाई टू, दैट इज 3c बाय टू। तो उस हिसाब से इसका आंसर c हो जाएगा बड़े आराम से। ये पिछले वाले से भी इजी था, ये भी सॉल्व होना चाहिए था, ये मस्ट क्वेश्चन है जो हमसे होनी होनी चाहिए। ठीक है, व्हीटस्टोन की एप्लीकेशन लगी, c बाय टू c बाय टू c बाय टू हमने यूज किया, तीनों पैरेलल में है, सीधे सीधे जुड़ गए, 3c बाय टू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर्स c1 एंड c2 कनेक्टेड इन पैरेलल इज 25 बाय 6 टाइम्स द इफेक्टिव कैपेसिटेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो कोई भी दो कैपेसिटर है, एक है c1 और एक है c2, ये c1 है ये c2 है, जब हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो c इक्विवेलेंट आएगा c1 c2 अपॉन c1 plus c2। जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करने पे c इक्विवेलेंट आएगा c1 plus c2, इसको डैश मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है कि c इक्विवेलेंट डैश should be equals to 25 by 6 times of C equivalent. जो C equivalent dash कौन सा है? Parallel वाला. Question में given है, connected in parallel is 25 by 6 times the effective capacitance when they are connected in series. तो C equivalent dash is 25 by 6 times C equivalent. C equivalent dash की value है C1 plus C2. That is equals to 25 by 6 times of C1 C2 upon C1 plus C2. तो अब ये और ये इधर मैं इसको जो ये राइट हैंड साइड वाला है ना, ये सारा ये पूरा ही लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आके मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा C1 plus C2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 C2 इज इक्वल्स टू 25 बाय 6। ठीक है, अब तो मैथ्स है सिंपल, ये आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 C2 डिवाइडेड बाई सी वन सी टू, दैट इज इक्वल्स टू 25 बाई 6। अब क्वेश्चन में मुझे पूछा है रेशियो ऑफ सी वन रेशियो ऑफ सी टू बाई सी वन, तो मैं एक काम करता हूँ सी टू बाई सी वन को मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, देखना एक काम आएगा हमारे, तो अब ये आई इक्वेशन, तो मैं लिख सकता हूँ कि सी वन बाई सी टू प्लस सी टू बाई सी वन प्लस टू is equals to 25 by 6। तो अब c1 by c2 को हमने क्या मान लिया, c2 by c1 को x माना है, तो c1 by c2 1 upon x हो गया, तो हमने लिखा 1 upon x plus 2 is equals to 25 by 6, ये 2 उधर चला जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी x square plus 1 upon x equals to 25 by 6 minus 2, तो इक्वेशन बनी फाइनल x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 13 बाय 6 इनटू x, 6 इधर आ गया, तो ये बना 6x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 13x इक्वल्स टू 0। अब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 13 प्लस माइनस, मतलब माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट इज 169 माइनस 4ac, 4ac तो a 6, b c भी 6, इन तो 6 इनटू 6 36 इनटू 4 144 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a 6 इनटू 2 12, तो x की जो वैल्यू आएगी उसे हम लिखेंगे 13 प्लस माइनस, अब देखो ये जो अंदर वैल्यू है ये हो गई 25 अपॉन 12, तो x की पॉसिबल वैल्यू आई है हमारे पास 13 प्लस 5 अपॉन 12, दैट इज, एक सेकंड ये थोड़ा सा डेटा कट रहा है, तो x की जो पॉसिबल वैल्यू आई है दैट इज 13 प्लस 5 अपॉन 12, तो x कैन बी 18 बाई 12, तो x कैन बी 3 बाय 2, दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अच्छा एक और कौन सी पॉसिबल वैल्यू, एक 13 माइनस 5 अपॉन 12 करके भी हम कर सकते हैं, तो वो आ जाएगा 2 बाई 3, तो दो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है, या तो 2 बाई 3 हो या 3 बाई 2 हो, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 बाई 2 मैच कर रहा है, तो इसलिए 3 बाई 2 इज करेक्ट। ओके,
ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं. आई होप ये क्लियर है, ये ठीक था क्वेश्चन. तो बस मैथ्स थी, मतलब ऐसा नहीं कि इन जनरल कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी या बहुत दिक्कत थी, बट मैथ्स थी हल्की फुल्की, तो वो अगर हमें आती तो हो जाता. तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे बढ़ जाते हैं. ओके, इन द फिगर शोन द पॉइंट बी इज अर्थ. अच्छा, बी पॉइंट को अर्थ कर दिया. अर्थ कर दिया मतलब बी का पोटेंशियल जीरो ही होगा. द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज, तो ए पे पोटेंशियल कितना होगा ये हमें पता करना है. ठीक है, तो अब अगर B को अर्थ कर दिया तो उससे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ. सिंपल सी बात यह कि हम VA माइनस VB को, जो हमारा क्वेश्चन में VA माइनस VB हमसे पूछा गया ना, उसे सीधा सीधा अगर सर्किट में करंट I मान रहा हूं तो I इंटू 12 कर दूंगा. VA माइनस VB को सीधा I इंटू 12 कर दूंगा, तो उससे फटाक से आंसर आ जाएगा मेरा. बस ये B पे अर्थ करने का सिग्निफिकेंस है. तो स्टार्ट करते क्वेश्चन को. अर्थिंग वाला एक बार थोड़ा सा, ये जो अर्थिंग वाली बात है ये मैं हटा करके सर्किट बना रहा हूँ, देखना ध्यान देना. ये 10 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 5 है. इधर से करंट I मान लिया, ये 50 वोल्ट है. तो जो R इक्वलेंट है सर्किट का वो कितना हो गया, 10 प्लस 3 13 7 20 5 25. तो R इक्वलेंट इज 25. R इक्वलेंट इज 25 एंड वोल्टेज जो है, जो हमने वोल्टेज लगाई है वो 50 वोल्ट है. तो I इन द सर्किट जो होगा उसे हम लिख सकते हैं V अपॉन R इक्वलेंट. तो I इक्वल्स टू V कितना है 50 अपॉन R इक्वलेंट कितना है 25. तो I आ गया मेरा 2 एम्पियर. करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर. करंट इन द सर्किट 2 एम्पियर है, तो फिर सीधा सीधा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I इंटू, यहां पे ना पॉइंट, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट बी है, और बी का पोटेंशियल कितना है जीरो. वी बी ऑलरेडी हमें जीरो पता ही है क्योंकि अर्थ कर रखा है. तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई इंटू, ये बीच के रेजिस्टेंस 5 और 7 12, तो 12 ओम. तो वी ए इज इक्वल टू सिंपल सिंपल आई इज 2 इंटू 12, तो वी आ गया मेरा 24 वोल्ट. ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए थी. ठीक है, B पे अर्थ करने का सिग्निफिकेंस ही सीधा ही हो गया कि B का पोटेंशियल जीरो हो गया. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी सॉल्व होना चाहिए था. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों हमसे सॉल्व हो जाने चाहिए थे. ओके, अभी गैल्वेनोमीटर बेस्ड क्वेश्चन है. तो द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 25 ओम, मतलब हमें जी जो है वो 25 ओम दे दिया है. G is 25 ohm. It requires 50 micro ampere for full deflection. मतलब IG, IG होता है full deflection current. इसकी value है 50 micro ampere. मतलब 50 into 10 की power minus 6 ampere. अब बोला कि the value of shunt resistance required to convert it into an ammeter of 5 ampere. तो ammeter of 5 ampere मतलब हमें range चाहिए. I हमें चाहिए 5. ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर का सर्किट डायग्राम आप ध्यान करो, जिसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो जी इधर होता है, एस यहाँ होता है, इनको ऐसे कनेक्ट करते हैं, वैसे यहाँ से करंट आता है आई, यहाँ जाता है आई जी, यहाँ जाता है आई माइनस आई जी. तो अब अगर ऐसा है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है. तो मैं तो हर बार यही यूज करता हूँ, वी जी इक्वल्स टू वी एस. तो मैं लिखता हूँ आई जी इंटू जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस. तो सिंपल यहां से मेरे पास आ जाता है आई इंटू एस इक्वल्स टू आई जी इंटू जी प्लस एस. तो आई की वैल्यू मेरे पास आती है आई जी इंटू जी प्लस एस अपॉन एस. ये बेसिक सा है. ठीक है, तो अब आई की वैल्यू कितनी है सॉल्व कर लेते हैं. आई की वैल्यू दी है 5 एम्पियर इज इक्वल्स टू, आई की वैल्यू हमें 5 दी है. हाँ, तो आई की वैल्यू है 5 is equals to, IG की वैल्यू कितनी है, IG की वैल्यू है 50 माइक्रो एम्पियर. तो मतलब 50 into 10 की पावर माइनस 6 into, G की वैल्यू कितनी है 25 प्लस S अपॉन S. ठीक है, तो अब 5 तो ये कटा, तो ये 10 into 10 की पावर माइनस 6 आ गया. ठीक है, तो अब हम लिखा, हम S को हम इस तरफ ले गए, तो S equals to 10 की पावर माइनस 5 इंटू 25 प्लस एस इंटू 10 की पावर माइनस 5.
ये हमने लिख दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर -6 को, तो s माइनस s इंटू 10 की पावर 5 माइनस का इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो ये तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो s की वैल्यू आ गई हमारे पास 2.5 इंटू 10 की पावर -4 ओम, विच इज ऑप्शन ए। तो बेसिक क्वेश्चन अगेन, ये भी सॉल्व होना चाहिए था, तो पहले पांचों में से पांचों क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, जो नहीं हुआ उसको दोबारा प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब सेक्शन बी पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैरेड इज चार्ज्ड टू 80 वोल्ट। तो दो कैपेसिटर हैं, एक हमारे पास है 4 माइक्रोफैरेड का, दिस इज 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड, ये 6 माइक्रोफैरेड है, इसको हमने चार्ज कर दिया 80 वोल्ट। तो 80 वोल्ट से चार्ज किया मतलब इधर 80 वोल्ट है इसके अक्रॉस, और इसको हमने चार्ज कर दिया 30 वोल्ट। तो ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट, ये इसकी नेगेटिव प्लेट, हम ऐसा मान लेते हैं। व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर, अज्यूम कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी, तो सेम पोलैरिटी से कनेक्ट किया मतलब ऐसा कुछ कनेक्ट कर दिया होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि द एनर्जी लॉस्ट बाय 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज, तो इसका कुछ फाइनल डायग्राम बन रहा होगा बिफोर कनेक्टिंग। हम एक स्विच बना लेते हैं जिससे थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, विजुअलाइज करना आसान हो जाएगा। ये स्विच एस है, तो ये बिफोर क्लोजिंग है, बिफोर क्लोजिंग। ऐसा ही एक आइडेंटिकल डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, जिसमें आफ्टर क्लोजिंग की बात करेंगे। ये आफ्टर क्लोजिंग वाला डायग्राम है, स्विच क्लोज करने के बाद। तो ये भी 4 माइक्रोफैरेड है और ये 6 माइक्रोफैरेड है। तो अब अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज V हो गया, तो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज V हो गया तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि इनिशियल Q इनिशियल इक्वल्स टू Q फाइनल, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम लिख सकते हैं 4 × 80, ये इस प्लेट पे है, प्लस 6 × 30, ये इस प्लेट पे है, इक्वल्स टू इस प्लेट पे फाइनल चार्ज 4 × V, प्लस इस प्लेट पे फाइनल चार्ज 6 × V। ये माइक्रोफेरेड दोनों साइड है, तो इसलिए मैं माइक्रो 10 की पावर -6 वाला इग्नोर कर रहा हूं। तो हमने लिखा 320 + 180 = 10V, तो 500 = 10V, तो V इक्वल्स टू आ गया 50 वोल्ट, V आ गया 50 वोल्ट। तो अब एनर्जी लॉस्ट इन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, ये हमसे पूछा है, तो हम लिखेंगे इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी, 1/2 × 4 × 80 का स्क्वायर, 1/2 CV² इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रोफेरेड है, माइनस फाइनल एनर्जी, तो 1/2 × 4 × 50 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -6, अगेन माइक्रोफेरेड। तो इस हिसाब से 1/2 × 4 ये तो आ गया कॉमन, और इंटू 10 की पावर -6 भी कॉमन आ गया, 10 की पावर -6 भी कॉमन आ गया। ब्रैकेट में बचा 80 का स्क्वायर, दैट इज 6400, माइनस 50 का स्क्वायर, दैट इज 2500, तो ये कट के 2 रह गया, तो 2 × 10 की पावर -6 × 3900, दैट इज 7800 इंटू 10 की पावर -6, दैट इज 7.8 × 10 की पावर -3 जूल्स, दैट इज 7.8 mJ। तो इस हिसाब से 6th का आंसर भी ए हो गया। ये भी इजी क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट तो यही है, ठीक है, ये भी हमसे होना चाहिए था। ओके, तो 6th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर C = 6 माइक्रोफेरेड, तो द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी, तो दो कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, तो ये
यहाँ पे हम 0 वोल्ट मान रहे हैं तो यहाँ पे 10 मानना ही पड़ेगा क्योंकि अर्थ किया हुआ है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है। तो मतलब अगर इस सर्किट को रीड्रॉ किया जाए तो ये बेसिकली ऐसा एक सर्किट है जो कि ये सी है, ये 2C है और यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है AC 10 वोल्ट की। दिस इज 2C मतलब 12 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज C मतलब 6 माइक्रोफेरेड। तो ये सर्किट है, ये सर्किट है तो दोनों सीरीज में है। सीरीज में तो इसका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 × 12 / 6 + 12 दैट इज 6 × 12 / 18 तो ये 3 तो ये 4 तो सी इक्विवेलेंट आ गया 4 माइक्रोफेरेड। तो जो चार्ज आया Q, अब दोनों सीरीज में तो Q सेम होगा तो Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इनटू V, V इज 10 तो Q इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोफेरेड इनटू 10 दैट इज 40 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये काफी इजी था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब ऐसे क्वेश्चन देखने पे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि मैं इनको दोबारा रीड्रॉ करूं। जैसे ये 12 वोल्ट है तो मैंने बोल दिया यहां पे 12 है, मैंने बोल दिया यहां पे 0 है, मैंने मान लिया ये पॉइंट एक्स है। अगर ये पॉइंट एक्स है तो ये भी एक्स है क्योंकि सेम वायर है, ये सेम वायर है। ये पॉइंट वाई है तो ये पॉइंट भी वाई है क्योंकि सेम वायर है। तो फिर मैं दोबारा बनाता हूं इस सर्किट को, मैंने इस सर्किट को फिर से बनाया। यहां पे पॉइंट है ये 12, ये पॉइंट है 0, ये बीच में यहां पॉइंट है एक्स, यहां पॉइंट है वाई, ये चार ही पॉइंट है। तो 12 और x के बीच में, 12 और x के बीच में जो पहला कैपेसिटर है वो है 6 माइक्रोफेरेड का, तो दिस इज 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। फिर x और y के बीच में पहला है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड, फिर y और x के बीच में दूसरा है जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, फिर x और y के बीच में तीसरा है जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफेरेड, फिर y और 0 के बीच में है 6 माइक्रोफेरेड। अब मैं ये 12 और ये 0 हटा करके सिंपल क्या करता हूँ, यहां पे एक बैटरी लगा देता हूँ ऐसी 12 वोल्ट, कहानी खत्म। सवाल में क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड, मतलब मुझे इस वाले सेक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है। अगर इस वाले सेक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो मतलब ये कि ये यहां पे जितना 1 के अक्रॉस होगा, जितना 3 के अक्रॉस होगा, उतना ही 2 के अक्रॉस होगा। तो इनका इक्विवेलेंट अगर देखा जाए, तीनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा। ये 6, ये भी 6, 1 + 2 + 3 ये तो 6 ही होता है, ये भी 6 और ये 12 वोल्ट। तो ये 6 6 6 ये तीनों सीरीज में है, तो इनका सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड। तो जो क्यू आएगा, क्यू इन सर्किट आएगा 12 × 2 दैट इज 24 माइक्रो कूलम। तो यहां पे जो क्यू आया है वो आया है 24 माइक्रो कूलम, तो इसके अक्रॉस भी क्यू सेम है, इसके अक्रॉस भी क्यू सेम है। अब ये जो 6 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस मुझे क्यू मालूम है और मैं जानता हूं कि क्यू इज इक्वल्स टू CV होता है, तो V इज इक्वल्स टू Q बाय C होगा। Q कितना है 24 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय C कितना है, C 6 माइक्रो फेरेड, तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हमारा 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। तो ये बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन था, बस रीड्रॉ कर लो। जब भी कोई सर्किट समझ में नहीं आए हल्का सा उसको रीड्रॉ करके देखो तो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें बोला है कि अ पार्ट ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर ऑल द कैपेसिटर हैव कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेरेड, ये C1 C2 C3 जितने भी कैपेसिटर है सब पे 2 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटेंस है देन। तो अब जब ऐसे क्वेश्चन देख रहा हूं कुछ और गिवन नहीं है, इधर उधर 2 वोल्ट और 3 वोल्ट अगर मुझे गिवन है तो मैंने देखा तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कभी देखा है, जैसे रेजिस्टर वाला जब मैं पढ़ता था तो जब ये 2 वोल्ट 3 वोल्ट और 3 वोल्ट ऐसे कुछ दिए होते थे तो मेरे दिमाग में सीधा स्ट्राइक करता था KCL। अब KCL क्या होता था कि करंट किसी भी एक जंक्शन पे आके मिल रहे हैं या एक जंक्शन से जा रहे हैं तो वो करंट का नेट समीशन 0 होता था और वो बेस्ड होता था कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे,
कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मतलब कि Q1 plus Q2 plus Q3 should be equal to, मतलब अगर तीनों आ रहे हैं तो नेट जीरो होना चाहिए, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो ऐसा ही हम यहाँ कंसेप्ट लगाएंगे. मैं इसी सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ. ये 2 वोल्ट है, ये C1 कैपेसिटर है, ये पॉइंट C है, ये C2 कैपेसिटर है, ये 2 वोल्ट है, और ये बैटरी है, और ये C3 कैपेसिटर है, और ये 3 वोल्ट है. अच्छा, इसकी वैल्यू भी सी के बराबर है, इसकी वैल्यू भी सी के बराबर है, इसकी वैल्यू भी सी के बराबर है, और सी जो है वो 2 माइक्रोफेरेड है. अब हमने क्या किया, इस पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल मान लिया एक्स, ठीक है. तो यहां पे जो चार्ज होगा, मान लो यहां से इस डायरेक्शन में आया या दूर गया, मान लो दूर गया, यहां से इधर गया Q1, यहां इधर चार्ज गया मान लो Q2, और यहां इधर चार्ज गया मान लो Q3. अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ये x है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है. तो मैं लिख सकता हूं कि q1 प्लस q2 प्लस q3 शुड बी इक्वल टू नेट जीरो. तो नेट अगर जीरो है तो q1 प्लस q2 प्लस q3 है, तो q1 को क्या लिखूंगा, q इज इक्वल्स टू cv. c क्या है, कैपेसिटेंस, और v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू x माइनस 2 प्लस सी है ना, सी तो 2 है, q इज इक्वल्स टू सी वी, q2 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो. नेट चार्ज पैदा थोड़ी हो रहा है, अगर कहीं से एक जंक्शन से चार्ज आ रहा है तो दूसरे पे जा रहा होगा. दिस इज केसीएल हमने यूज कर लिया बेसिकली, मतलब इन फॉर्म ऑफ चार्जेस. तो 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 10, सॉरी 4, 4, ये भी 4, ये भी 4, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो. तो 2x, 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 तो 6x माइनस 18 इक्वल्स टू जीरो. तो x यहां से आ गया 3 वोल्ट, x 3 वोल्ट आ गया, तो इसके अक्रॉस जो चार्ज है q2 की जो वैल्यू है, ये 3 वोल्ट है, 3 है, तो इसके अक्रॉस कुछ चार्ज होगा, इसके अक्रॉस भी कुछ चार्ज होगा, इसके अक्रॉस भी कुछ चार्ज होगा. तो अब हमें ऑप्शन चेक करते हैं. तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 इज जीरो. तो C1 पे चार्ज तब जीरो होता जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता, बट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ही नहीं, तो C1 पे चार्ज जीरो नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है. फिर ऑप्शन बी कहता है चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 इज जीरो. तो C2 के अक्रॉस भी तो यहां पे 3 वोल्ट आ गया ना, अब तो C2 के अक्रॉस भी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 इज 4 माइक्रो कूलम. तो C3 पे कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो 4 माइक्रो कूलम है, C3 ये वाला है, तो इस पे चार्ज चेक किया, तो यहाँ पे ये 3 है, तो यहाँ पे आ गया 1 वोल्ट, 1 वोल्ट आ गया, तो इसके अक्रॉस जो चार्ज आया Q is equals to C into delta V. तो C is 2 into delta V is also 2, तो that is 2 into 2 4 micro coulomb. This is Q3. तो Q3 is 4 micro coulomb, तो C सही है, और D तो गलत है ही, ठीक है. तो ये अच्छा क्वेश्चन था. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इन अरेंजमेंट शोन ऑल द प्लेट्स हैव इक्वल एरिया ए एंड स्पेसिंग डी बिटवीन देम, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू विल बी. तो पी और क्यू पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, ये हमसे पूछा है. तो ऐसे क्वेश्चन देखते ही मेरा काम होता है इसको मार्किंग कर दूं मैं पहले, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इसको फिर से रीड्रॉ करूंगा. तो जिन जिन के बीच में पोटेंशियल निकालना है उनको एंड्स पे, मतलब जिन जिन के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है उनको एंड पे, और जिन जिन जो जो पोटेंशियल सेम है उनको साथ में. जैसे मेरे को 2 और 5 के बीच में निकालना है, तो यहां मैंने पॉइंट लिखा 2, यहां पॉइंट लिख दिया 5. अब 1 और 3 का सेम पोटेंशियल है, तो यहां बनाया 1, 3, और यहां बना दिया 4, 6. तो 2 और 1 के बीच में एक कैपेसिटर है, ये देखो, दिस इज कैपेसिटर नंबर 1 C1, दिस इज कैपेसिटर नंबर 2 C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5. तो ये 5 कैपेसिटर है. तो 2 और 1 के बीच में जो पहला कैपेसिटर है वो ये बना, दिस इज C1. अच्छा, C1, C2, C3, C4, C5. C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू C5 इक्वल्स टू C. ऐसा क्यों, मतलब इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इक्वल्स टू सी. ऐसा क्यों, क्योंकि सारी प्लेट्स का एरिया इक्वल है और सबके बीच में सेपरेशन भी इक्वल है, इसलिए. तो मैंने कुछ इसमें काम ज्यादा नहीं किया, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, जिन दो पॉइंट्स के बीच में बनाना है उनको एंड्स पे, और बाकी जो पॉइंट बच गए उनको बीच में.
तो टू और वन के बीच में पहला कैपेसिटर है, ये देखो सी वन, ठीक है। फिर टू और थ्री के बीच में दूसरा कैपेसिटर है, दैट इज सी टू। फिर थ्री और फोर के बीच में तीसरा कैपेसिटर है, दैट इज सी थ्री। फिर फोर और फाइव के बीच में चौथा कैपेसिटर, और फाइव और सिक्स के बीच में पांचवा कैपेसिटर है, ये है। तो ये मुझे सी इक्वलेंट निकालना है। दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी, दिस इज सी। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में, और मतलब सॉरी पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये और बाकी इनका इक्वलेंट और इनका इक्वलेंट इसके साथ सीरीज में है, ठीक है। तो इसका फाइनल अगर सर्किट बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये बना सी बाई टू, ये सी और ये भी सी बाई टू, सॉरी सॉरी टू सी, टू सी, टू सी पैरेलल में है तो टू सी, टू सी। तो दिस इज टू सी, दिस इज टू सी एंड दिस इज सी। अब मुझे ए और बी के बीच में इक्वलेंट निकालना है, तो सी इक्वलेंट मेरा आ जाएगा वन बाय सी इक्वलेंट इक्वल्स टू वन बाय टू सी प्लस वन बाय सी प्लस वन बाय टू सी। तो एलसीएम आ गया अपना टू सी, वन प्लस टू प्लस वन, वन अपॉन सी इक्वलेंट। तो सी इक्वलेंट की वैल्यू आ गई सी बाय टू, और सी की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो सी इक्वलेंट कितना आ गया, सी इक्वलेंट आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टू डी। ओके, सी इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टू डी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द सर्किट शोन इन द फिगर रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज वी वन। वी वन रीडिंग कब है, जब एस वन क्लोज्ड है। तो पहले वी वन के लिए डायग्राम बनाते हैं, जरा देखना ये वी वन है, इसके लिए डायग्राम बना देते हैं। वी वन के लिए हमने डायग्राम बनाया, तो ये आर है, ये थ्री आर है, ये ई एम एफ ई है और ये वी है। अच्छा कुछ नहीं बोला तो वोल्टमीटर को आइडियल ले लेंगे, If nothing is mentioned, तो वोल्टमीटर को आइडियल ले लो। ये V है, ये 3R है और ये R है, ठीक है। अब सेकंड है, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V2 व्हेन S2 इज क्लोज्ड। तो V2 कब है रीडिंग, जब S2 क्लोज्ड है। ये R है, ये 3 ये है और ये वोल्टमीटर है V। तो ये 6R है, ये R है, तो इसके अक्रॉस फिर से ये बैटरी है। ओके okay? E फिर रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V3 व्हेन बोथ, अच्छा ये V2 है, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर इज V3 व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज। तो V3 के लिए और एक बार डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है, ओके दिस इज E, दिस इज 3R, दिस इज 6R और ये लग गया वोल्टमीटर, ये R, ये V3 है। तो ये इंडिपेंडेंट डायग्राम्स है V1, V2 और V3 के। तो जब मैं V1 को सॉल्व करता हूं, ये E है, ठीक है। जब मैं V1 को सॉल्व करता हूं तो मुझे वोल्टेज निकालना है। तो अब 3R और R ये दोनों सीरीज में, तो 4R हो जाएगा, R इक्वलेंट 4R हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा करंट इन द सर्किट I is basically E upon 4R. तो वोल्टेज V1 is equals to E upon 4R into 3R. तो V1 आ जाएगा 3E by 4. ठीक है? Next V2. V2 is, V2 के लिए I2 निकालना पड़ेगा. ये तो I1 था. I2 निकालना, I2 हो जाएगा E by 7R. तो E by 7R, तो E upon 7R मतलब, और V2 कितना हो जाएगा, I2 into 6R. तो V2 हो गया मेरा E upon 7R into 6R. तो V2 हो जाएगा 6 by 7R. Sorry, 6 E by 7, 6 E by 7. Similarly, जब मैं V3 की बात करूंगा, V3 की जब मैं बात करूंगा तो ये 3R और 6R, तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं पहले, मतलब R इक्विवेलेंट डैश निकाल लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट डैश हो जाएगा 1 अपॉन 3R into 6R अपॉन 3R plus 6R, तो ये हो गया 18R square upon 9R. तो ये हो गया बेसिकली R इक्विवेलेंट डैश इज
2R, R equivalent dash is 2R, तो इसके अक्रॉस जो करंट आएगा I3 सर्किट में, यहां पे I3 जो करंट होगा, यहां पे करंट था I2, यहां पे करंट था I1, तो सर्किट में I3 जो करंट आएगा उसको हम लोग लिखेंगे E upon 3R, ठीक है। तो अब जो वोल्टेज आएगा V3 उसे हम लिखेंगे I3 into 2R, तो मतलब ये आ जाएगा मेरा 2E by 3, this is V3। अब देखो ये V2 आ रहा है, अब मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं वैल्यूज, तो V2 आ रहा है 6E by 7, V1 आ रहा है 3E by 4 एंड V3 आ रहा है 2E by 3। तो V2 की जो वैल्यू है वो 6E by 7 है, तो मतलब अगर मैं 60 by 7 करता हूं तो वो 7 8 56, तो मतलब वो 0.8 के आसपास कुछ है, V1 0.75 के आसपास कुछ है और V3 0.66 के आसपास कुछ है, इसका मतलब सबसे बड़ा है V2, फिर है V1 और फिर है V3, तो इसलिए आंसर है B, ठीक है। इंडिपेंडेंटली तीनों को सर्किट बना के देख लोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, बट इसमें क्वेश्चन में ना ये जो क्वेश्चन है इतना टफ नहीं है, बट इसमें गेम है टाइम, तो टाइम जितना ज्यादा मतलब हम ढंग से यूटिलाइज करेंगे उतना बेटर होगा, तो इसके लिए जितनी आपने प्रैक्टिस करी होगी ना वो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, टॉर्च बल्ब रेटेड एज 4.5 वॉट एंड 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द ईएमएफ ऑफ द सेल नीडेड टू मेक द बल्ब ग्लो एट फुल इंटेंसिटी, तो फुल इंटेंसिटी पे तब ग्लो करेगा जब इसके अक्रॉस मतलब जो पावर डेवलप्ड है वो 4.5 वॉट होगी तब, तो हमें रेटेड पावर कितनी गिवन है, दैट इज 4.5 वॉट, और हमें रेटेड वोल्टेज ये गिवन है 1.5 वोल्ट, तो मैं लिख सकता हूं पावर रेटेड इक्वल्स टू वोल्टेज रेटेड का स्क्वायर अपॉन आर रेजिस्टेंस, तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई वोल्टेज रेटेड मतलब 1.5 इनटू 1.5 अपॉन 4.5, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो रेजिस्टेंस आ गया 0.5 ओम, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस जो आया है आर दैट इज 1/2 ओम, अब ये 1/2 ओम और 1 ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों का जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है, ये जो R इक्विवेलेंट आ रहा है मैं इसे R डैश बोल रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं कि R डैश इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो R डैश आ गया 1/3। अच्छा, और 2.67 कितना होता है, 2.67 इज 8/3 ओम, है ना, तो मेरा जो टोटल R इक्विवेलेंट आया, R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट जो आया वो आ गया 1/3 प्लस 8/3 दैट इज 9/3 दैट इज 3 ओम, दिस इज आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट। अभी आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट आ गया तो करंट निकालना है हमें, तो आई इन द सर्किट इज बेसिकली ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो ई बाई थ्री ये सर्किट में करंट है। तो अब ये दो पॉइंट है, अब देखना यहां पे अब ट्रिक है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो अगर मुझे इसके अक्रॉस रेटेड पावर निकालनी है बल्ब के अक्रॉस, तो मैं VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा ना, जैसे ही मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वैसे ही मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ जी ये कैसे होगा, तो मैंने लिखा VA माइनस VB, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू I इंटू, ये तो I मतलब एक सेकेंड, मतलब मुझे VA माइनस VB फाइंड आउट करना है, तो VA माइनस VB को हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, देखो इस पॉइंट पे E माइनस IR, तो E माइनस I इंटू आर, तो E कितना है E माइनस I कितना है E बाई थ्री इंटू आर कितना है 8/3, तो ये कितना आया E माइनस 8E/9, तो दैट इज इक्वल्स टू E/9, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस E/9 आ गया। अब ये जो VA माइनस VB है जितना यहां है उतना ही बल्ब के अक्रॉस होगा, तो इसको मैंने नाम दे दिया V डेवलप्ड, क्या मैं बोल रहा हूं VD,
तो अब मेरे को पावर अक्रॉस बल्ब ये कितनी बनानी है, 4.5 वॉट बनानी है। तो इसका फॉर्मूला लिखा मैंने, वी डेवलप्ड का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 4.5। वी डेवलप्ड कितना है, ई बाय 9। तो मेरे पास आया ई स्क्वायर बाय 81 अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू 4.5। ठीक है, रीअरेंज करूंगा तो आएगा ई स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं अपॉन 10 लिख सकता हूँ, तो ये 9/2 हो जाएगा। रीअरेंज करूंगा तो आएगा 81 × 9 अपॉन 2 × 2, ये 1/2 भी इधर जाएगा, तो 9/2 × 1/2 तो 9/4 हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ई इज इक्वल्स टू, इनफैक्ट मैं इसको रूट ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों साइड, तो ई इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 27/2, दैट इज 13.5 वोल्ट। तो कंसेप्ट क्या था, ग्लो एट फुल इंटेंसिटी का मतलब है कि हमें जितनी पावर उसकी रेटेड है उतनी पावर उसके अक्रॉस डेवलप करानी है। तो उतनी पावर उसके अक्रॉस डेवलप करानी है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना है और उसको 4.5 वोल्ट के बराबर रख देना है, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13th पे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क। तो पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो 2 ओम है इधर वाला, ये सर्किट के बाहर है तो ये कट जाएगा। सिमिलरली ये 1 ओम भी सर्किट के बाहर है तो इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब यहां पे भी आई इक्वल टू जीरो, यहां पे भी आई इक्वल टू जीरो, यहां पे भी आई इक्वल टू जीरो। और देखो ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये वायर है, तो ये वाले जो 2 रेजिस्टेंस है ये भी कट जाएंगे, तो ये भी सर्किट में काम ही आएंगे। तो फाइनल जो सर्किट का डायग्राम बनेगा वो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर मैं यहाँ एक्स मान रहा हूँ तो ये पॉइंट, सॉरी मैं थोड़ा विजिबल बना देता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ पे एक्स मान रहा हूँ तो ये पॉइंट भी एक्स होगा। तो देखना इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये पॉइंट है ए, ये बीच में एक पॉइंट आया एक्स, इस पॉइंट को क्या नाम दे दें, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ वाई दे देते हैं, या वैसे भी देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाई पॉइंट है, ए के जस्ट बाद में वाई आ रहा है तो ए के जस्ट बाद में वाई लिखेंगे, फिर यहाँ पे एक्स आ रहा है और यहाँ पे बी आ रहा है। तो ए और वाई के बीच में एक रजिस्टर है जिसका नाम है 2 ओम। अच्छा, वाई और एक्स के बीच में कितने रजिस्टर है तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वाई और एक्स के बीच में 4 ओम, वाई और एक्स के बीच में 2 ओम, और वाई और एक्स के बीच में 3 और 1 ओम। तो वाई और एक्स के बीच में एक तो है 4 ओम, एक है 2 ओम और एक है 4 ओम, 3+1 सीरीज में 4। एक्स और बी के बीच में 5 ओम। अच्छा, ये 4 ओम 2 ओम 4 ओम ये तीनों किसमें है, ये तीनों पैरेलल में, पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 1। तो ये बना 2 ओम, ये 1 ओम और ये 5 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम और ये 5 ओम, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट, तो 2+1+3, तो आर इक्विवेलेंट आ गया अपना 8 ओम। ठीक है, आई डोंट थिंक इसको मैं कर फिर भी साइड पे लिख देता हूँ जस्ट इन केस। 1/2 + 1/4 + 1/2, तो दैट इज 4/4 आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 1, मतलब ये डैश डैश जो इसके अक्रॉस था, जो इसके अक्रॉस था ये आर इक्विवेलेंट डैश। ठीक है, ओके, तो अगेन इजी क्वेश्चन ये हो जाना चाहिए था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14th। अच्छा, 14th क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियोमीटर दिया है, इन द फिगर ए बी इज 300, इन द फिगर ए बी इज 300 सेंटीमीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वायर हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम पर मीटर, रियोस्टेट इज सेट एट 20 ओम, द बैलेंस पॉइंट विल बी अटेंड एट जे, देन द लेंथ ए जे इज। देखो, जब भी ऐसे पोटेंशियोमीटर का सवाल आएगा तो हमने, अब 2 सर्किट है, जैसे एक सर्किट ये है और एक सर्किट ये है, तो ये तो प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो अगर मैं सेकेंडरी सर्किट की बात करूं तो इसमें करंट बैलेंस पॉइंट निकालना है, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट जो है वो 0 होना चाहिए, तो इसके अक्रॉस करंट निकालना है I1, तो I1 निकाल लेते हैं। तो I1 को हम लोग क्या लिखेंगे, I1 इक्वल्स टू 2 अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट इज 2, तो I1 आ गया 1 एम्पियर।
तो आई वन वन एम्पियर है, तो ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए है, और ये पॉइंट जे है तो ये पॉइंट भी जे है। तो इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गई कि वी ए माइनस वी जे जो है वो 1.5 इंटू वन है, दैट इज 1.5 वोल्ट है। ये बात तो समझ में आ गई। तो अब बात करनी पड़ेगी प्राइमरी सर्किट के लिए। तो फॉर प्राइमरी सर्किट तो इस सर्किट के अंदर पहले मेरे को करंट भी निकालना पड़ेगा। तो करंट मैंने निकाला आई, ये कुछ आई करंट होगा, इसके अंदर कुछ अपना फ्लो कर रहा होगा आई, उसके अंदर कुछ आई वन करंट फ्लो कर रहा है। तो ये आई करंट कैसे निकालूंगा, आई इक्वल्स टू, एक सेकंड विजिबल नहीं होगा ये, आई इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 6 अपॉन R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 अपॉन रियोस्टेट का रेजिस्टेंस दैट इज 20 प्लस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, तो 10 ओम पर मीटर है, 1 मीटर पे 10 ओम है और 300 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 3 मीटर है। तो 3 × 10 तो 30, तो 30 ओम रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है ए बी वायर का, होल वायर का। तो इसके अक्रॉस जो करंट आया वो आया 6 अपॉन 50। तो जो वोल्टेज अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस ए बी पोटेंशियोमीटर वायर वो कितना होएगा, 6 अपॉन 50 इंटू रेजिस्टेंस इसका 30। तो ये हो गया 18 अपॉन 5, दिस इज वी अक्रॉस ए बी। अब ये वी अक्रॉस ए बी है 18 अपॉन 5, तब मुझे निकालना है वी ए बी आ गया, तो मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के हो जाएगा वी ए बी अपॉन एल। तो इसका मतलब 18 अपॉन 5 × 300, ये सेंटीमीटर में है अभी, मतलब ये दिस इज वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो ये के की वैल्यू है। अब मुझे बैलेंस करना है 1.5 वोल्ट, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो मतलब V इज इक्वल्स, और V कौन सा, AJ इक्वल्स टू K इनटू L। तो V AJ कितना है, 1.5 इज इक्वल्स टू K कितना है, 18 अपॉन 5 × 300 × L। तो मेरे को L सॉल्व करना है, तो ये नीचे आ जाएगा 10, तो दिस इज 3/2, तो दिस इज 6, ठीक है, दिस इज 6, तो दिस इज 2, तो दिस इज 100, तो बेसिकली L की जो वैल्यू आई, L इक्वल्स टू 500/4, दैट इज 125 सेंटीमीटर, और बोले तो 1.5 मीटर। तो ये बेसिक है, 1.5 मीटर है, ओके। तो ये पोटेंशियोमीटर बेस्ड क्वेश्चन, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 500 वॉट हीटर इस यूनिट इज डिजाइन टू ऑपरेट फ्रॉम 115 वोल्ट लाइन, इफ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप्स टू 1110 वोल्ट, द परसेंटेज ड्रॉप इन द हीट आउटपुट विल बी। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ये क्वेश्चन है ये भी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें गिवन होता है तो अपना काम होता है पहले आर निकाल लो, सर्किट का आर निकाल लो। तो आर ऑफ मतलब ये रेजिस्टेंस ऑफ दैट हीटिंग यूनिट इज इक्वल्स टू क्या होगा, वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन पावर डेवलप्ड, मतलब वोल्टेज रेटेड अपॉन पावर रेटेड। तो वोल्टेज रेटेड इज 115 वोल्ट एंड पावर रेटेड इज 500 वॉट। तो यहां से रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी कुछ, लिख सकते हैं 115 × 115 upon 500, दिस इज रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज लाइन ड्रॉप हो गई इतने पे 1110 वोल्ट पे, तो जो पावर डेवलप्ड है उसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर, वी कौन सा वाला, गिवन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वी गिवन पावर डेवलप्ड, पावर रेटेड हमें 500 वोल्ट दे ही रखी है, तो वी डेवलप्ड कितना हो गया, वी गिवन का स्क्वायर, तो मतलब 110 × 110 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 115 × 115 × 500, ठीक है। तो ये पावर डेवलप्ड है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये 100 है तो कुछ 23 है, फिर ये 5 है, 4 है, तो ये कुछ फिर 23 है,
मतलब 20 टाइम्स इसको डिवाइड कर देंगे, तो इनको जब सॉल्व करते तो पावर डेवलप्ड कुछ 457.46 के आसपास कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो 457.46 के आसपास कुछ आ गई पावर डेवलप्ड, तो ये पावर डेवलप्ड है और ये पावर रेटेड है। तो इसने पूछा कि परसेंटेज ड्रॉप कितना होगा, तो परसेंटेज ड्रॉप निकालने के लिए सिंपल सा हमें क्या करना है, जो पावर डेवलप्ड है मतलब जो पावर रेटेड है माइनस जो पावर डेवलप्ड है, हाँ, तो 457.46 है, तो पावर डेवलप्ड रेटेड माइनस पावर डेवलप्ड अपॉन पावर रेटेड इनटू 100, दिस इज परसेंटेज ड्रॉप इन पावर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज ड्रॉप कुछ 8.5% के आसपास आ जाएगा। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज्यादा है, कंसेप्ट तो यही है, ये कंसेप्ट है। आर आर हमने यूज कर लिया, ये आर हमने यहां से निकाल लिया, इसके अंदर यूज किया, पावर डेवलप्ड निकाल ली, फिर ये परसेंटेज ड्रॉप का ये फॉर्मूला, उसके बाद तो बाकी सारा तो हमारा मैथ्स कैलकुलेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन टाइम कंज्यूम कर सकता है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेक्शन 3 मल्टीपल करेक्ट। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड फ्रॉम अ कॉइल, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको किसी सेल से हमने चार्ज किया फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। जब चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो मतलब हमारा जो चार्ज है क्यू सेम रहेगा क्योंकि क्यू कंजर्वड है। तो अब इनिशियल डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में डी था, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज नाउ डबल्ड, तो इसको कुछ डबल कर दिया, इसको कुछ ऐसे 2D सेपरेशन कर दिया। तो सी इनिशियल जो कैपेसिटेंस इनिशियल था वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी था, तो सी फाइनल जो हो गया वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 2D हो गया। अब चार्ज सेम है, यहां पे अगर क्यू है तो यहां पे भी क्यू है, क्यू सेम, तो वी इनिशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल था वो क्यू अपॉन सी इनिशियल था, क्यू अपॉन सी इनिशियल मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो ये था वी इनिशियल, और वी फाइनल जो होगा वो क्यू अपॉन सी फाइनल होगा, तो v फाइनल आ जाएगा q इंटू 2D अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ v इनिशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बिकम डबल, तो a सही है। अच्छा, द फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल नॉट चेंज, तो फील्ड चेक कर लेते हैं। फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं, e इनिशियल इक्वल्स टू v इनिशियल अपॉन d इनिशियल, तो मतलब v बाई डी। E final is equals to V final upon D final, मतलब 2V upon 2D, तो फिर से आ गया V by D, तो किसके बराबर है, E initial के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया, there is no change in electric field, तो field between the plates will not change, ठीक है। The potential difference between the plates will not change, तो गलत हो गया। Some work has to be done by the external agent on the plates, तो जब ये negatively charged है, ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो जब मैं इसको खींचूंगा तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स एफ लग रहा होगा, तो कुछ वर्क मुझे करना पड़ेगा क्योंकि इस फोर्स के अगेंस्ट ले जा करके उसे खींचना पड़ेगा, तो देयर मस्ट बी सम वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो डी भी ठीक है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 17, टू कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड आर चार्ज्ड टू 150 वोल्ट एंड 120 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, अ चार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1.5 माइक्रोफेरेड फॉल्स टू द फ्री एंड्स ऑफ द वायर देन, तो इसका फाइनल सर्किट बना लेते हैं। फाइनल सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, ये 1.5, ये 2 और ये 3, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बाकी बना लेंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो ये हो गया 360 माइक्रो कूलम, वो भी माइनस का, यहाँ पे प्लस का 360 माइक्रो कूलम, यहाँ पे माइनस का 300 माइक्रो कूलम और यहाँ पे प्लस का 300 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे अभी कोई चार्ज है नहीं 1.5 के अक्रॉस। तो अब मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो सर्किट के अंदर कुछ चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हुआ होगा, देयर मस्ट बी सम चार्ज फ्लो इन द सर्किट एज सून एज दे आर कनेक्टेड। तो हम मान लेते हैं यहां से चार्ज क्यू गया होगा, तो यहां से क्यू गया होगा तो 360 माइनस क्यू बच गया होगा, तो जो फाइनल चार्ज इस वाली प्लेट पे होगा
इस वाली प्लेट पे मैं दोबारा डायग्राम बना दूंगा इसका, 360 माइनस क्यू इस पे होगा, फिर ये क्यू यहां से आया इसके पास आया तो इससे जुड़ा होगा प्लस क्यू, फिर इस पे इंड्यूस हुआ होगा, ये नेगेटिव है तो इस पे कुछ माइनस का इंड्यूस हुआ होगा, तो इसमें से क्यू निकला होगा, तो फिर इधर माइनस क्यू प्लस 300 माइक्रो कूलम, फिर क्यू इस प्लेट पे पहुंचा तो इस पे आया प्लस क्यू, इस पे इंड्यूस हुआ माइनस क्यू, फिर यहां से क्यू निकल के इसके पास पहुंचा तो इससे क्यू ऐड हो गया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, समझ में नहीं आया होगा, इस वाली प्लेट में से हमने माना कि कुछ क्यू चार्ज निकल गया, जब कुछ क्यू चार्ज निकला तो बचा कितना, 360 माइनस क्यू, ये क्यू चलते हुए यहां पहुंचा तो इस वाली प्लेट पे आके जुड़ा होगा, तो पहले चार्ज था माइनस 300 माइक्रो कूलम, अब इस प्लस क्यू चार्ज के आने के बाद चार्ज हो गया माइनस 300 माइक्रो कूलम प्लस क्यू, फिर इसकी वजह से इस पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 300 प्लस क्यू का नेगेटिव क्या होगा, क्यू माइनस क्यू प्लस 300 माइक्रो कूलम, तो ये होगा इसका नेगेटिव। तो जैसे ही इधर इंड्यूस हुआ तो इधर माइनस का क्यू इंड्यूस हुआ, मतलब यहां से प्लस का क्यू निकलना चाहिए, ये प्लस का क्यू निकल के इस वाली प्लेट पे पहुंचा तो यहां पे प्लस का क्यू स्टोर हुआ, यहां प्लस का क्यू स्टोर हुआ तो यहां पे माइनस का क्यू इंड्यूस हुआ, माइनस क्यू इंड्यूस हुआ तो यहां से कुछ क्यू निकल के गया, तभी तो माइनस क्यू इंड्यूस होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज निकल के यहां पहुंचा तो इधर पहले माइनस 360 माइक्रो कूलम था, अब उसके साथ क्यू जुड़ गया, तो कुछ ऐसा आ गया, ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया। तो जो इसका फाइनल सर्किट डायग्राम बनेगा, मैं फिर से बना रहा हूं, देखना, ऐसे कुछ है, इधर है प्लस क्यू, इधर है माइनस क्यू, इधर है माइनस 360 प्लस क्यू, इधर है प्लस 360 माइनस क्यू, इधर है माइनस क्यू प्लस 300, और इधर है 300 माइनस 300 प्लस क्यू, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं ना, इसको ये जो मैंने यहां भी सेम ही लिखा है तो मैं इसको साइन के साथ बना लेता हूं, थोड़ा सा आप थोड़ा देखना समझ में आएगा, ये है। तो अगर मैं 360 माइनस क्यू को पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये 360 माइनस क्यू और ये माइनस ऑफ 360 माइनस क्यू में लिख रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली यहां पे अगर मैं 300 माइनस क्यू को पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये माइनस ऑफ 300 माइनस क्यू है, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर मैं इस सर्किट के अंदर लगा दूंगा केवीएल। अच्छा, इसका 2 माइक्रो फैरेड है कैपेसिटेंस, इसका 3 माइक्रो फैरेड है और इसका 1.5 माइक्रो फैरेड है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है। तो केवीएल लगाऊंगा तो इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो बढ़ा तो हमने लिखा 300 माइनस क्यू, क्यू मतलब अगर मुझे वोल्टेज लिखना है तो क्यू बाय सी लिखना पड़ेगा, तो 300 माइनस क्यू अपॉन सी दैट इज 2, फिर यहां से यहां पहुंचा प्लस से माइनस गया तो डिक्रीज हुआ होगा, तो माइनस क्यू अपॉन 1.5, फिर माइनस से प्लस आया तो फिर बड़ा प्लस का 360 माइनस क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये हो गया 150 माइनस क्यू बाई 2 माइनस, इसको मैं 3 बाई 2 लिख लूंगा 1.5 को, तो ये 2 बाई 3 क्यू माइनस प्लस 120 माइनस क्यू बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो 270 इज इक्वल टू माइनस 2 क्यू बाई 3 और माइनस क्यू बाई 3, तो ये माइनस क्यू हो गया, तो क्यू प्लस क्यू बाई 2 हो गया ऐड करने पे, तो 270 इज इक्वल टू 3 क्यू बाई 2, तो ये हो गया 90, तो Q की वैल्यू आ गई 180 माइक्रो कूलम। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं जरा, आ जाओ, चार्ज ऑन 1.5 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इज 180 माइक्रो कूलम, तो इसके अक्रॉस चार्ज था Q, इसके अक्रॉस चार्ज कितना था, इसके अक्रॉस 300 माइनस Q और इसके अक्रॉस 360 माइनस Q, ठीक है, ऐसा कुछ चार्ज था। तो चार्ज ऑन 1.5 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इज 180, तो क्यू की वैल्यू आई है 180 माइक्रो कूलम, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। फिर चार्ज ऑन 2 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इज 120 माइक्रो कूलम, तो 300 माइनस 180 तो 120, तो ये भी करेक्ट है।
चार्ज फ्लोज थ्रू ए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो चार्ज क्यू हमने ऐसा ही माना था, क्यू ऐसे चल रहा था, ये देखो यहाँ पे क्यू का जो मोशन था वैसे ही माना था हमने, तो ये राइट है, राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, चार्ज फ्लोज थ्रू ए फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट, तो ये गलत हो गया, तो ए बी सी करेक्ट है. ओके गुड क्वेश्चन. केवीएल लगाया है, यूजिंग केवीएल मैं लिख भी देता हूं यहां पे. ओके क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम, ये कुछ हमें अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सा दे रखा है. फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम, अब ये ऐसा सर्किट डायग्राम है, तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा. ऐसे कुछ है, ये है यहाँ पे, ये 5 ओम, ये और ये 2 ओम, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है और ये 10 ओम है. तो सिमेट्री से अगर यहाँ पे करंट x आया, मान लो यहाँ से करंट x i एंटर हुआ, यहाँ पे x आया तो यहाँ से भी x लीव करेगा. अब यहाँ पे x आया तो यहाँ पे i माइनस x आया होगा, तो यहाँ पे i माइनस x आया, यहाँ x चला गया तो ऊपर फ्लो हुआ i माइनस 2x, ये पॉइंट है d, ये पॉइंट है c, तो यहाँ पे i माइनस 2x और x ऐड होकर के यहाँ पे करंट फिर से आ गया i माइनस x, और यहाँ पे फिर से करंट नेट i आ गया. ठीक है, तो अब ये वाला जो लूप है, इस वाले लूप के अंदर KVL लगा देता हूं, तो इन लूप ये ए सी डी ए, इसमें मैंने KVL लगा दिया यूजिंग KVL. तो यूजिंग KVL जब हमने किया, तो अब मैं लिख सकता हूं कि यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है तो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू आई माइनस 2x प्लस 5 इंटू आई माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0. तो माइनस 2x माइनस 20x माइनस 5x इक्वल्स टू 15, माइनस 15i. तो ये हो गया 27x इक्वल्स टू 15i. 27x इक्वल्स टू 15i. तो x इक्वल्स टू आ गया 5i/9. x 5i/9 है. अब x 5i/9 है, तो यहां पे इसका मतलब यहां पे जो करंट आया होगा वो 5i/9 आया, तो यहां पे करंट आया 4i/9. तो ये जो i माइनस 2x है ये उल्टा बना रखा है, तो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें नीचे की तरफ होगा, क्योंकि i माइनस 2 इंटू 5i/9, तो ये माइनस i/9 आ रहा है, तो करंट सी टू डी फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ i/9, ये करंट की वैल्यू फिर से 4i/9 और ये करंट की वैल्यू फिर से 5i/9. ये कुछ सर्किट का कॉम्प्लेक्स डायग्राम सा बन गया. अब इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है बी. तो मैं लिख सकता हूं यूजिंग KVL की VA माइनस VB इज इक्वल्स टू VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB. तो VA माइनस VB हो गया I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू VA माइनस VC कितना हो गया, VA माइनस VC हो गया 2 इंटू 5i/9 प्लस VC माइनस VB कितना हो गया 5 इंटू 4i/9. तो I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट आ गया 10/9 प्लस 20/9, तो 30/9, दैट इज 10/3 ओम, दिस इज R इक्विवेलेंट. तो जो सर्किट में करंट आया, पहला ऑप्शन है R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इज 10/3, तो ठीक है. करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, तो I सप्लाइड, I इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट. तो V कितना है, V इज 100 वोल्ट, तो 100 अपॉन 10/3, तो ये आ गया 30 एम्पियर. तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. अच्छा, करंट फ्लोइंग फ्रॉम सी टू डी और डी टू सी, तो करंट तो हमने चेक कर लिया सी टू डी ही फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लोइंग फ्रॉम सी टू डी इज आई, सी टू डी इज i/9, दैट इज 30/9, दैट इज 10/3 एम्पियर. तो सी भी ठीक है, इसलिए आंसर ए बी और सी है. नहीं समझ में आए तो एक बार फिर चेक कर लेना सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 19,
अब जब हमने स्विच क्लोज करा तो स्विच क्लोज करते ही बेसिकली ये कुछ ऐसा सर्किट बन गया। ये बैटरी है ऐसी, यहाँ पे ये है और ये ऐसे है। ये 8 माइक्रोफेरेड है, ये 12 वोल्ट है, ये 4 माइक्रोफेरेड है और ये 6 वोल्ट है। ये ऐसा है। तो जैसे ही सर्किट क्लोज करा है तो अगर मैं चाहूँ तो KVL भी लगा सकता हूँ और चाहूँ तो KCL भी लगा सकता हूँ। तो मतलब कोई भी मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं KVL यूज़ करूँ तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे चार्ज जो है क्यू गया है, तो यहाँ पे प्लस क्यू आया, यहाँ पे माइनस क्यू आया, फिर यहाँ से क्यू फ्लो हुआ, तो यहाँ पे प्लस क्यू आया, यहाँ पे माइनस क्यू आया। तो इस ए पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि प्लस का 12, माइनस का क्यू बाई 8, प्लस का 6, माइनस का क्यू बाई 4 इक्वल्स टू 0। तो क्यू बाई 8 प्लस क्यू बाई 4 इक्वल्स टू 18। तो एलसीएम आ गया 8, तो 3 क्यू बाई 8 इक्वल्स टू 18। तो क्यू की वैल्यू आ गई 48 माइक्रो कूलम। तो चार्ज जो है दोनों कैपेसिटर्स पे सेम होगा। चार्ज ऑन C2 इज ग्रेटर देन C1, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। चार्ज ऑन C1 एंड C2 आर सेम, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। फिर द पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस C1 एंड C2 आर सेम, तो ये C1 और C2 के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है V1, तो V1 है Q बाई C1 और इसके अक्रॉस है V2 इक्वल्स टू क्यू बाई C2। तो Q बाई C1 और Q बाई C2 ये दोनों अलग अलग है क्योंकि C1 C2 अलग अलग है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा, तो ये गलत है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1 इज ग्रेटर देन अक्रॉस C2, तो C1 कम है और C2 ज्यादा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप V1 ज्यादा होगा, V2 कम होगा, तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इज ग्रेटर देन अक्रॉस C2, तो इसलिए D आंसर। तो B और D इसके करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 9 ओम की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी है और ये 3 और मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। तो इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ ये फर्स्ट ब्रांच को एलिमिनेट करने के बाद। तो ये 2, 4 और 2, तो ये 8 हो गया, ये जो है ये 8 हो गया, 8। तो इसका इक्विवेलेंट बनेगा कुछ ऐसे, ये 3 है, ये 8 है और ये 2 है, फिर ये 2 है, ये 8 है और ये 2 है। तो ये 8 और 8 पैरेलल में, तो ये 4 ओम हो गया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम और ये 8 ओम और ये 3 ओम और ये 2 ओम और ये 9 वोल्ट, ठीक है। अब फिर इसको और 2, 4 और 2, तो ये फिर 8 हो गया, 8 और 8 फिर 2 हो गया। तो फिर इसको आगे और सिंप्लीफाई किया सर्किट को, तो ये बना ऐसा ऐसा और कुछ ऐसा। तो ये 3 ओम, ये फिर से 4 ओम, ये 2 ओम और ये 9 वोल्ट। तो ये 2 + 3 = 7 + 2 = 9। तो सर्किट में जो करंट आया I, That is 1 ampere, 9/9। तो सर्किट में करंट 1 ampere आया है। तो ये जो पॉइंट है C और ये जो पॉइंट है D, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है VC माइनस VD, दैट इज इक्वल्स टू I इंटू 4, मतलब 1 × 4, दैट इज 4 वोल्ट। तो पहला ऑप्शन कह रहा है करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज 1 ampere, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है कि VC माइनस VD इज 4 वोल्ट, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। अब VA माइनस VB, ये पॉइंट और इस पॉइंट, इन दोनों को चेक कर लेते हैं जरा। VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 4 × ये जो करंट है, यहां पे जो करंट आएगा I1, वो अब यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप है 4, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है 4। तो इस पूरे सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी 4 होगा। तो पूरे सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 4 है, तो करंट ये जो I1 है, I1 को मैं लिख सकता हूं, I1 कैन बी रिटन एज 4 अपॉन ये R इक्विवेलेंट, 2 + 4 + 2 = 8, तो 4 अपॉन 8, तो I1 आ गया 1/2। तो VA माइनस VB आ गया 4 × 1/2, ठीक है। तो VA माइनस VB आ गया 2 वोल्ट, VA माइनस VB इज 2 वोल्ट, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब VA माइनस VB 2 वोल्ट है,
तो देखो ये लास्ट वाला सर्किट फिर से बना लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे ये सर्किट ऐसे कुछ बना हुआ है, ये टू है, ये फोर है, ये टू है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो टू वोल्ट है। पोटेंशियल ड्रॉप टू वोल्ट है तो इसके अक्रॉस जो करंट आएगा आई टू, आई टू कैन बी रिटन एज टू अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज एट। तो आई टू इज बेसिकली 1/4 एम्पियर, तो 0.25, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो ठीक है, इस क्वेश्चन है, इसके चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो क्विज ठीक था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज आपसे 14 to 15 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए थे इस क्विज के। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो फिर से देखना रिकॉर्डिंग, नहीं तो फील फ्री टू आस्क योर टीचर्स। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्विज। नेक्स्ट क्विज में फिर हम मिलते हैं सॉल्यूशन में।